हेलो दोस्तों, चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 6वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें हम लोग अभी तक इकाई एक देख चुके थे। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट अध्याय बात की थी विविधता की समझ, दूसरा अध्याय था विविधता की एवं भेदभाव। इकाई सेकेंड में बात की थी सरकार, सरकार क्या है और लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व को देखा था हमने। अब बात करना है इस लेक्चर में हमें इकाई थर्ड के बारे में, स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में। तो इसमें हम लेक्चर में देखेंगे अध्याय 5 पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज के बारे में बात करेंगे। याद रखिए आपके जितने भी अभी तक लेक्चर बनते जा रहे हैं एनसीईआरटी से संबंधित, वो सभी आपको एनसीईआरटी किताबों का पूर्ण कवरेज के नाम से प्लेलिस्ट सूची है, उसी में डले हुए हैं। ठीक है, चलिए तो इस हम बात करते हैं पंचायती राज के बारे में। पांचवा चैप्टर है अपना पंचायती राज। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं? यह हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। ठीक, ये हमारी पंचायत की एक तस्वीर। ठीक है, तो आज का दिन बड़ा खास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे थे। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। ग्राम सभा की बैठक शुरुआत में पंचायत और पंच ने सड़कों की मरम्मत पर होने होने वाले खर्चे का ब्यौरा दिया। ठीक है, यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। रुकिए यहीं थोड़ा, ये भी देख लें। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें से सिर्फ एक गांव हो या एक से ज्यादा हो, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों छोटे छोटे क्षेत्रों में बंटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम सभा का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायतों का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों की बैठक बुलाना, जो भी चर्चा एवं निर्णय हो उनका रिकॉर्ड रखना। गांव में रहने वाले तेजिया ने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंड पंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, जिससे उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को भी साफ कर लेते हैं। तेजिया ने कहा कि इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिसके जाता है, हम उससे ज्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के लिए नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहते हैं, वाटर सेड।
उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। सबको अनवाय का यह विचार अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ये क्वेश्चन है, देख लेना ठीक। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए, लोगों के बीच खुसर खुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखी बाई से कहा कि बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ सकता है? उसके पास तो इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कुछ बोल सकता है? कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी वही बहुत सारी जमीन का मालिक है। लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही होगा। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच खुसर 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 हो रही है। उन्होंने पूछा, अगर किसी को कहना है, कुछ कहना है तो कह सकते हैं। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की और नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए थे। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा, उसका नाम सूची में क्यों नहीं था? जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। ग्राम पंचायत, इससे पहले हम ऊपर एक पैराग्राफ देख लें। ग्राम पंचायत में पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सकें, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है, ग्राम सभा को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य कार्य उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा हो, ग्राम सभा ही पंचायत का काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। महाराष्ट्र के दो पंच, जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये ठीक है, ये उन्हीं की पिक्चर है। आगे बात करते हैं, ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, मान लीजिए कि गांव में एक समुदाय केंद्र का भवन बनवाना है तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के, ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या काम किया गया है। हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे, क्या भी आपको याद है? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच और पंच और सचिव उपस्थित थे। यही देख लीजिए, ग्राम पंचायत के काम, सड़कें, नालियों को, स्कूल भवनों, पानी
कि स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण कर और रख रखाव करना एक ग्राम पंचायत की कार्य, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना ये भी ग्राम पंचायत का कार्य, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाओं को लागू करना ये भी आपका ग्राम पंचायत का काम है। ग्राम पंचायत की आमदनी की बात करें आय की, तो घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, समुदाय के काम मिलने के वाले दान। ठीक है, पंचायतों के सदस्यों ने पहले एक कुआ साफ करने और दो हैंडपंप को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना ना रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख की मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों से वो इस काम में लगाया जा सकता। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। जल संवर्धन कार्यक्रम में केवल 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया। ठीक है, यह कुछ तस्वीरें। अब बात करते हैं पंचायत के स्तर। पंचायत के 3 स्तर हैं। हरदास गांव की ग्राम पंचायत और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि पंचायत राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उनको चुनते हैं। पंचायत राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर है विकास खंड का स्तर। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर का विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े, उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। ठीक है, ये थी आपकी पंचायत से संबंधित। तो इसके कुछ अभ्यास प्रश्न इन्हें लगा लेना। ठीक है, देखना हरदास गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे, उन्होंने अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए क्या किया। ठीक, आपके विचार में ग्राम पंचायत का क्या महत्व है? क्या आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए? क्यों? अपने क्षेत्र या उसके पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी काम का उदाहरण दीजिए। उसके बारे में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दीजिए। यह काम क्यों किया गया? पैसा कहाँ से आया? इसके लिए काम पूरा हुआ है या नहीं? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच क्या फर्क है आपको बताना है। नीचे दी गई खबर को पढ़िए, फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, चौफुला सिरुर सड़क पर एक गांव है सिमोन। दूसरे गांव की तरफ पिछले कई महीनों में इस गांव में भी पानी की बहुत कमी चल रही थी। गांव वाले अपनी जरूरतों के लिए टैंकर पर निर्भर हैं। इस गांव के भगवान महादेव लाड़ 35 वर्ष को 7 लोगों ने मिलकर डंडे
लोहे की छड़ से बहुत पीटा। इस घटना का पता तब चला जब कुछ लोग बुरी तरह से घायल लाड़ को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। पुलिस की रिपोर्ट में लाड़ ने लिखवाया कि उस पर हमला तब हुआ जब उसने टैंकर पानी टंकी में भरने पर जोर दिया था। टंकी निमोन ग्राम पंचायत की आपूर्ति योजना के तहत बनाई गई ताकि पानी का समान रूप से वितरण हो, परंतु लाड़ का आरोप था कि ऊंची जाति के लोग इस बात को के खिलाफ थे। वे टैंकर के पानी पर दलित जातियों का अधिकार नहीं मानते। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है 1 मई 2004 की। ठीक है, भगवान लाड़ को क्यों पीटा गया, आपको देना है उत्तर। क्या आपको लगता है कि यह एक भेदभाव का मामला है, क्यों? फिर छठवां क्वेश्चन है जल संरक्षण और उसके फायदे के विषय में जानकारी इकट्ठी करना है आपको। ठीक, तो ये था हमारा 5वां चैप्टर पंचायती राज। अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ग्राम गांव का प्रशासन। ठीक, 6वां चैप्टर होगा।